दोस्तों आज हम खेले काइजो यूनिवर्स बट लो बजट। जैसे कि आप दोस्तों को आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि रोब्लॉक्स के दुनिया में गाइस काइजो यूनिवर्स का एक गेम था जिसको पता नहीं ना जाने क्यों बैन कर दिया है और वो गेम हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। लेकिन उसके बाद गाइस एक और गेम आई जिसका नाम है काइजो यूनिवर्स ये बट लो बजट। ओए मुन्ना ये क्या है भैया? अभी मैं इस यूनिवर्स के सारे गोडजिला को टेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले हमने गाइस ये वाला गोडजिला सेलेक्ट करा है जिसका नाम तो मुझे भूल गया, क्या था? अरे मैं भूल कैसे गया? ओए ऐसे ही भूल जाएगा नुबड़ा कहीं का। ओए शकल से तो मुझे सबसे पुराना वाला गोडजिला लग रहा है। अरे हाँ गाइस ये सबसे पुरानी वाली मूवी गोडजिला का ये गोडजिला है। वैसे गाइस का नाम है सही में भूल गया, अरे ये कैसे हो सकता है। चलो गाइस इसकी पावर चेक करते हैं। और ये भैया कितनी दमदार भीम है इसके पास। ओए मुन्ना ये वन पहले पावर इसने क्या करी? ये भैया क्लोज अटैक कर रहा है सेकंड टेल से और थर्ड में गाइस ये बीम अटैक कर रहा है। ये देख रहे हो इसकी बीम कितनी ज्यादा पावरफुल है भैया। ओए फोर नंबर की पावर तो दिखा दे। अरे भैया रुको गाइस फोर नंबर की पावर भी जरा चेक ही कर लेते हैं। और ये ओए बाप रे इसके पीछे लाइट जलती है। फोर नंबर की पावर दोबारा टेस्ट। ओए भाई ए भैया फोर नंबर की पावर में रेड कलर की बीम फायर कर रहा है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ओए ओए ये क्या कर रहा है? अरे भैया ये क्या है गाइस यार यहाँ पे? ये तो अपने अंदर से पता नहीं क्या निकाल रहा था। वैसे निकला कि नहीं निकला? एक और बार टेस्ट करते हैं गाइस। ये किसी तरह की वेव निकल रही है। ये वाला गोडजिला वैसे काफी बड़ा तो नहीं है, छोटा है, लेकिन गाइस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके पास पावर तो काफी तगड़ी है। भैया देखो कितना तगड़ा रोर कर रहे है। ओए रोर भी बहुत ही तगड़ा करा मुंडा इसने। ए भैया वाकई में यार ये गोडजिला तो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके अंदर काफी ज्यादा दम है। गाइस यार इस गोडजिला की बात ही कुछ और है। लेकिन जो भी हो भैया, ओए मुन्ना आज इसने तो तबाही लगा दी। ए भैया ये देखो यार फिर से मैं इसकी वेव दिखाता हूँ। गाइस यार यहाँ पे अगल बगल में पता नहीं अजीब सी पावर निकल रही है। और ये बहुत, अबे ये कौन मेरे ऊपर चढ़ गया? अबे हट यहाँ से। ए नंबड़े ओए मुन्ना वो तो गोडजिला की सवारी कर रहा है और तेरे ऊपर चढ़ के। ए भैया मैं देख रहा हूँ कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ। गाइस हम नेक्स्ट गोडजिला टेस्ट करने वाले जिसका नाम है, पहले हमने ग्रैंडपा लिजर्ड ट्राई करा था, इसका नाम है वकन लव गोडजिला। ओए वेकन गोडजिला बाप रे ये क्या सा है? ए भैया ये पहले वाले से काफी बड़ा है। और गाइस ये वाला, ओ इससे पहले मैंने ग्रैंडपा ट्राई करा था, अब ये इसका फर्स्ट अटैक में देखा क्लॉक और सेकंड गाइस टेल वाला अटैक है और थर्ड वाले में हमें मिलेगी भीम पावर इसकी आई थिंक। ओए देखते हैं इसकी भीम पावर कितनी तगड़ी है। ए भैया ये क्या कर रहा है? अरे यार ये मुंह में क्या भर के लाया? अरे यार इसकी भीम अटैक में ये कैसी भीम अटैक है? अबे कर ले अब अटैक। ओए अरे बाप रे ये क्या? ए भैया ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। गाइस यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने इतनी देर बाद अपने को पहले चार्ज किया उसके बाद भाई क्या अटैक मारा है। ओए मुन्ना दोबारा दिखा। ए भैया रुको गाइस दोबारा दिखाते यार, इसने इतनी देर तक चार्ज करा मुझे लगा कि इसकी यही पावर है। अरे यार ये कौन मेरे ऊपर बार बार चढ़ जा रहा है? अभी भैया ये देखो। ओए मुन्ना अरे बाप रे क्या चल रहा है? ए भैया अरे हट यहाँ से, ये नमूना मेरे ऊपर चढ़ रहा है बार बार। ए गाइस दोबारा में ये वाली पावर चेक करते ये क्या कर रहा है। ओए ये मुझे लगता है ग्राउल है खाली। अरे हाँ भैया इसमें खाली रोड था। ओके अपन यहाँ पे 6-7 वाली नंबर की मतलब 6 वाली पोजीशन देखते हैं क्या है। लेकिन गाइस ये वाली पावर तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खतरनाक लगी। पहले इतनी देर तक ये खुद को चार्ज करता है और उसके बाद भाई क्या ही तगड़ा भीम अटैक करता है। देख रहे हो भैया इसकी रेंज भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। ये हुई ना बात भैया। ओए मुन्ना ये पूरा एकदम ही झुक के मारता है, एकदम भीम दे रहा है, मतलब ये पूरा पेट में जितना भी इसका चार्ज भीम रहता है ना सारा का सारा बाहर निकाल देता है। ये भैया ये वाले गोडजिला के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर से यार वाकई में काफी ज्यादा दम है इसके अंदर तो। ओए ये कहाँ जा रहा है? अरे भैया मैं जा रहा हूँ इधर यार, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। ए दोस्त यार यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी देखो भैया ये हुई ना बात। ओए मुन्ना वो सामने क्या है? अरे गाइस यार वो छोटा सा एक गोडजिला है, जरा मैं उसको देख कर आता हूँ यार। ये फायर गोडजिला की जगह है क्या? ओए मुन्ना ये कैसा गोडजिला है? ये तो ड्रैगन लग रहा है। ए भैया जो भी हो यार गाइस यार यहाँ पे अभी ये कैसा गोडजिला अजीब भी लग रहा है, तो पपलू सा
ओए मुझे लग रहा है कि उड़ने वाला है क्या ड्रैगन। अरे यार भैया बहुत ही अजीब सा मुझे लग रहा है जो भी है। ओके गाइस हम नेक्स्ट गॉडज़िला टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन ये क्या नीचे भैया तो कोई गॉडज़िला नहीं है, इसका नाम है रेड वुड ट्री। अच्छा गाइस चलो इसको ही देखते हैं, रेड वुड ट्री, इसका नाम है रेड वुड ट्री। आई थिंक मुझे लगता है ये कोई मॉन्स्टर है भैया। ओए दिख रहा, अबे ये कैसा है, अबे अजीब ही लग रहा है मुझे तो, मुन्ना वैनम की तरह लग रहा है। अरे गाइस हाँ दिखने में थोड़ा बहुत यार वैनम की तरह नहीं दिख रहा है गाइस, इसका आईज वगैरह देखो सामने से वैनम की तरह लग रहा है, जैसे लग रहा है वैनम ने इसके ऊपर कब्जा करके अपना सिम्बियोट इसके ऊपर छोड़ दिया है। ओए मुन्ने इसके पास कोई पावर नहीं है फालतू की चीजें करने के अलावा। अरे ये क्या कर रहा है हाथ ऊपर करके। अरे गाइस यार इस वाले के पास कोई ज्यादा दमदार पावर नहीं है। और ये क्या भैया यहाँ पे तो पिरामिड है। ओए मुन्ना पिरामिड पे भी गॉडज़िला अटैक कर सकता है। अरे हाँ भैया सही कहा, लेकिन गाइस यार ये अपना रेडवुड ट्री एकदम बकवास लगा मुझे। ये किसी तरह का मॉन्स्टर, लेकिन गाइस इसको गॉडज़िला की कैटेगरी में क्यों डाल दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तो गॉडज़िला के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता भैया। चलो गाइस हम नेक्स्ट गॉडज़िला टेस्ट करेंगे जिसका नाम है इवॉल्व लिजार्ड। ओके इवॉल्व लिजार्ड नाम इसका, गाइस ये हो सकता है काफी ज्यादा पावरफुल। ओ भाई इसका साइज भी काफी बड़ा है भैया। ओए मुन्ना इसके पीछे देख रहा है ये तो रूबी निकली क्या रेड कलर के स्टोन। ए भैया इवॉल्व है, और गाइस यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, पिंक कलर के इसकी पावर है। चलो इसकी हम यार बीम चेक करते हैं, इसकी बीम कैसी है भैया। ओए ये क्या हाथ में गोला बना रहा है। अरे यार ये क्या है हाथ में सर्कल सा ये पावर घुमा रहा है, लेकिन इसका काम क्या ये। ओए अभी इसको भी पंच मारेगा ना उसका गेम ओवर हो जाएगा शायद से। अरे भैया जो भी हो, लेकिन गाइस जरा इसके ऊपर टेस्ट करे क्या। अरे गायब कहाँ हो गया। ओए उसको छोड़ इसकी बीम दिखा मुन्ना। अरे भैया इसकी बीम देखो। अरे यार ये बीम तो कुछ खास नजर नहीं आ रही मुझे। दिखने में गाइस यार ये अजीब गरीब लग रहा है, क्योंकि यार इसके मुंह में पिंक कलर की पावर है जो कि यार दिखने में मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और ये गॉडज़िला सही में यार इसका जो भी है कुछ खास नहीं लग रहा मुझे। और इसकी यार बीम भी ट्यूबलाइट की तरह जलबुझ करके जा रही है, तो बीम भी इसकी मुझे कुछ खास नहीं लगी, बस इसका साइज काफी बड़ा है, साइज में ये काफी बड़ा गॉडज़िला है। ए भैया इसकी बीम में लेकिन उतना दम नहीं है। ए गाइस हम दूसरे वाले वहां पे चलते हैं। ओए मुन्ना आइलैंड पे चल। अरे भैया रुको गाइस यार यहाँ पे मुझे इस गॉडज़िला ने काफी ज्यादा निराश किया। अब हम नेक्स्ट गॉडज़िला को चेक करने वाले हैं आखिरकार वो कितना पावरफुल है। और इसके बाद आता, अबे इसका नाम क्या टीन कैन। अरे यार इस वाले गॉडज़िला का नाम क्या रख रखा है। वैसे गाइस आ चुका है हमारे पास मेगा गॉडज़िला, और इसका यार गेम में नाम टीन कैन रखा था, इसको तो भंगार बना दिया। लेकिन गाइस इसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। ओ भाई ये क्या, ये तो डांस कर रहा है भैया। ओए मुन्ना तो गंगा में स्टाइल वाला डांस कर रहा है। अरे भैया ये डांस भी करता है, और साथ में गाइस इसकी पावर तो काफी ज्यादा डेंजर सकती है, इसके पास अच्छी खासी पावर है। ओके इसकी बीम जरा टेस्ट करी जाए, इसकी बीम तो बहुत ही खतरनाक होगी भैया। ओए सही कह रहा है, बीम जरा ट्राई कर मुन्ना। ओके गाइस यार यहाँ पे देखो बीम अटैक। अरे अरे यार इसकी बीम भी कुछ खास नहीं लग रही मुझे। ओके इसकी दूसरी वाली पाव। ओ भाई इसके अंदर से मिसाइल निकल रही भैया। ओए सही कह रहा है, मिसाइल से अटैक कर रहे तो। ए दोस्तों इसका ग्राउल भी देख लो, इसके हाथ घूम रहे। अरे ये तो बच्चों की तरह घुमा रहा अपने हाथ को। और गाइस यहाँ पे इसकी आंखें भी रेड हो सकती है, और उसके साथ अपन चलेंगे अभी। ओए कहाँ पे जा रहा है भैया, मैं जा रहा हूँ वोल्केनो वाले आइलैंड पे। गाइस वो वोल्केनो पक्का है। ओए हाँ वोल्केनो ही तो होगा, लेकिन अबे ये क्या। ए भैया मेरी आईज देर, और साथ में गाइस मैंने बीम अटैक कर दिया, और फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे वोल्केनो में। ए भैया वोल्केनो पे मैं देखूं क्या है आखिरकार। ओए वोल्केनो के अंदर लावा होगा और क्या होगा नुबड़े। अरे हाँ भैया लावा तो है, लेकिन गाइस यार यहाँ पे मुझे कोई अचीवमेंट भी मिली है। ये हुई ना बात। ओए मुन्ना उसके बगल में ग्लेशियर वाला आइलैंड भी है। ए भैया रुको, लेकिन अब मेरे को दूसरा यार गॉडज़िला टेस्ट करना है। मैं फटाफट से काम करता हूँ, यहाँ पे दूसरा गॉडज़िला अपन टेस्ट करेंगे गाइस। और ये वाला अपना नेक्स्ट गॉडज़िला कौन सा है। ओए मुन्ना ये क्या है, अबे ये क्या। ए भैया ये है फ्रोजन गॉडज़िला गाइस, यार पूरा का पूरा या बोल सकते हो आइस गॉडज़िला, ये तो पूरा बर्फ से बना हुआ गॉडज़िला है। वैसे गाइस ये वाला गॉडज़िला मुझे उतना पावरफुल नहीं लग रहा, क्योंकि यार कोई भी इसको तोड़ फोड़ सकता है, बर्फ इतनी जल्दी टूट जाती है। ए भैया ये क्या है इसका पावर देगा। ओए मुन्ना ये हर किसी को बर्फ में जमा सकता है। ओए अरे भैया जो भी हो गाइस यार आप लोगों ने कोई गॉडज़िला की मूवी देखी, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है।
और भाई ये तो बहुत ही पावरफुल गॉडजिला भैया उस मेरे सामने। ओए वो अर्थ गॉडजिला, अर्थ गॉडजिला का साइज बहुत ही बड़ा होता है। अरे यार लेकिन गाइस यार यहाँ पे मैं जाने वाला सीधा अपने ग्लेशियर आइलैंड पे, जहाँ पे भैया देखते उधर कौन सी अचीवमेंट मुझे मिलती है। ए दोस्तों मुझे इधर से पार करके जाना पड़ेगा। ओए मुन्ना वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अरे हाँ भैया जबी तो गाइस सब अबे भाई वैसे इस गॉडजिला की गाइस दाढ़ी है, अबे इसके गॉडजिला की भैया दाढ़ी बना रखी बर्फ से, देख रहे हो ना। ओए हाँ इसकी तो दाढ़ी बना रखी आगे। अरे भैया ये गॉडजिला वाकई में गाइस मुझे उतना ज्यादा डेंजर नहीं लगा यार। ये इस गॉडजिला की पावर भी कुछ खास नहीं, बस ये बर्फ में सबको जमा सकता है। इसके पास कोई खतरनाक एटॉमिक वाली बीम नहीं है जैसे कि बाद बाकी सारे गॉडजिला के पास होती भैया। ओए मुन्ना ये खाली इधर ही रहता होगा क्योंकि ये नॉर्मल जगह जाएगा ना, गर्मी जगह तो पक्का पिघल जाएगा। अरे हाँ सही कहा गाइस। यार आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करो, पार्ट टू को ले कमेंट करो।